चुनाव आया है और हरियाणा का यह चुनाव कई मायने में आम रखता है। हरियाणा के चुनाव में अब ईडी का खुला खेल होगा। हमेशा आरोप लगता रहा है कि ईडी एक पॉलिटिकल वीपन के तरीके से काम करता है और हरियाणा की पॉलिटिक्स में ईडी का बहुत गहरा रोल होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के ऐसे सारे नेता जो जिताऊ हैं या जिनसे भारतीय जनता पार्टी को हार का खतरा है, वो सब अब ईडी के निशाने पर हो सकते हैं। ईडी को खुले खेल खेलने का पूरा मौका दे दिया गया है। राहुल गांधी ईडी के डर में जी रहे हैं कि ईडी उनको कब आएगी पूछताछ करने या उनको गिरफ्तार करने। मीडिया की सुर्खियों में राहुल गांधी का ईडी के गिरफ्तारी का अपना खौफ का पूरा मंजर दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईडी किस तरीके से काम करती है? ईडी की अपनी दुकानों का अलग अलग खेल क्या है? ईडी की अपनी दो दुकानें हैं। एक दुकानें जिसको कोई चलाता है राजनीतिक हथियार के रूप में, दूसरी दुकान जो ईडी चलाता है अपने हथियार के रूप में राजनीतिक रसूख के नीचे। ऐसे सवालों जवाबों के साथ आपको ईडी का पूरा मामला अब देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा कि ईडी का एक अफसर कैसे सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है रिश्वत लेते हुए। आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ईडी का एक अफसर ठेके पर जांच देता है और कागज पूरे बाड़े में बह जाते हैं, उसका हवाला वो लिखित तौर पर कोर्ट में देता है। यह सब जानकारियां आपको पूरी तरीके से मिलेगी। बाड़ में कागज बहने का पूरा खेल खेलने के पीछे एक बनी हुई सदी हुई लॉबी है, जिस लॉबी को हम बोल सकते हैं राहुल गांधी के इस भाषण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। मोदी जी राजा हैं, मैं सच बोल रहा हूं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं, कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। उनके जो फाइनेंसियर्स हैं पीछे टेम्पो वाले, एक्चुअली राजा के पास पावर नहीं है, एक्चुअली पावर कहीं और है। नहीं भैया, अनपढ़ राजा भी काम चला लेता। राहुल गांधी के इस भाषण से आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी जी पूरा खेल नहीं खेलते हैं। मोदी जी के अलावा खेल खेलने के लिए मोदी रत्न है, जैसे हरियाणा के चुनाव में पूरी तरीके से खेल खेलने के लिए हरियाणा के पूर्व प्रभारी पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन का हाथ है। मोदी रत्न के रूप में वो पूरा सदा हुआ खेल खेलेंगे, क्योंकि यह माना जा रहा है कि ईडी उनकी गिरफ्त में है। ऐसा हम 800 करोड़ के एक स्कैम के जरिए यह कह सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर उनके नाम FIR की गई थी। FIR करने वाला शख्स वैभव जालान अभी दर दर ठोकरे खा रहा है, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई है नहीं। 3 साल से ईडी अभी जांच पर बिल्कुल कुंडली मारे बैठी हुई है, क्योंकि उस कुंडली के ऊपर सवार है डॉक्टर अनिल जैन का अपना खौफ, या यूं कहें पॉलिटिकल वीपन के रूप में अनिल जैन को पता है कि ईडी को कब लोड करना है और कब रिलीज करना है। कुल मिलाकर इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, तारीख 1 अक्टूबर है, और अब पॉलिटिकल वीपन के रूप में लोड होने को पूरी तरीके से तैयार है ईडी। और इसका खेल हुड्डा से लेकर नवीन जिंदल तक सब पर पहले जैसा खेला जाएगा, या यूं कहें खेला जा चुका है। ना जाने कितने और नेता और व्यापारी इसके हाशिए पर आएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा सीधा सा सवाल है कि वैभव जालान का हमारे माध्यम से खुला चैलेंज कि क्या ईडी और डॉक्टर अनिल जैन बताएंगे कि यह एक पॉलिटिकल वीपन नहीं है, या डॉक्टर अनिल जैन ने ईडी को पॉलिटिकल वीपन के रूप में तैयार या इस्तेमाल नहीं किया है? क्या डॉक्टर अनिल जैन 800 करोड़ के स्कैम में फोन बैंकिंग ऑपरेटर से लेकर हवाला सेल कंपनियों या अलग अलग तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं है? कैसे एक परिवार के हितैषी बनते बनते वो पूरे तरीके से इस स्कैम के मास्टर बन गए हैं? यह पूरा अपने आप में सवालिया निशान है। लेकिन जांचेगा कौन, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में हर कोई इसे चुनावी मुद्दा बताएगा, लेकिन यह मुद्दा चुनाव से पहले का है। बार बार चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर अपने होने का एहसास दिला रहा है। ब्रीफकेस भर सबूतों के साथ वैभव जालान ईडी को सबूत सौंप चुके हैं और दोबारा सबूत देने को भी तैयार हैं, उन सबूतों को भी जो बाढ़ में बह गए हैं। लेकिन लेगा कौन, मोदी जी के रत्न, या फिर इन सब के गिरफ्त में पड़ा हुआ पॉलिटिकल वीपन के रूप में ईडी, या कोई इंडिया गठबंधन या कोई विपक्ष इसको आवाज उठाकर चिल्लाने की कोशिश करेगा? क्योंकि अब तो नेता प्रतिपक्ष भी ईडी के निशाने और खौफ में है।